आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केपर टाउन टेस्ट में बॉल टैंपरिंग को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसने गेंद से छेड़छाड़ की रणनीति बनाने वाले तीनों खिलाड़ियों को सजा सुना दी है। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर एक साल का बैन लगाया गया है तो वहीं युवा बल्लेबाज कैमरन बैंकक्रॉफ्ट पर 9 महीने की प्रतिबंध लगाया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ये तीनों खिलाड़ी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस पूरे फैसले के बाद अब बीसीसीआई ने भी ऐलान कर दिया है कि स्मिथ और वार्नर इस साल होने वाले आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने अपने बयान में कहा था कि आईपीएल 2018 में स्मिथ और वार्नर का भविष्य क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर निर्भर करता है, जिसके बाद उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को इस साल के आईपीएल से बैन कर दिया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि इन खिलाड़ियों की स्थान पर टीमों के पास दूसरे खिलाड़ियों को चुनने का अधिकार होगा।